सनातन धर्म को लेकर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था, उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी ने कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा है, केवल ऊपर का पेपर ही उन्होंने पढ़ा है। क्या इस बयान को लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, मैं ये मजहबी मामले हैं, मैं इस्लाम का आदमी हूँ, मुसलमान हूँ, तो मैं दूसरे मजहब उसके मजहब के उनके क्या मजहब है, क्या है, क्या है, उनकी रिवायात हैं, क्या उनका कायदा कानून है, मैं उसमें कोई उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं दखल देना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी ने कुछ कहा होगा वो जाने, या वो जो पूछने कहने वाले हैं वो जाने, मैं इसमें बिल्कुल दखल नहीं। लगातार सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते नजर आ रहे हैं, कभी यूपी के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी तमिलनाडु के स्टालिन हैं। तो बहरहाल ये हिंदू से मुतालिक हैं, तो वही आपस में लड़ रहे हैं, इस किस्म के बयान दे रहे हैं, तो ये तो उनमें आपस में बैठ कर तय होना चाहिए। बहरहाल इसको पॉलिटिकल इशू बनाना और आगे इलेक्शन के लिए तैयारी के लिए मसला बनाना के साथ वो ऐसे करें, तो ये इसका मुताल्लुक मुसलमानों से तो कुछ है नहीं, ये तो आपस में उन्हीं का है मामला, उन्हीं के धर्म का मामला है। बिहार के MLC हैं राधा रमन, उनको ED ने अपने कार्यालय बुलाया है, तो ये क्या समझते हैं इस तरह की कार्रवाई को लेकर? भाई देखिए, ये तो ED का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वैसे सूबे की गवर्नमेंट हो, जहाँ पर भी इस किस्म की ED की कार्रवाई की जाती है, ये सिर्फ हरासमेंट फैलाने के लिए और आने वाले इलेक्शन की तैयारी में, इससे उन्हें कुछ मिल जाए, ये है धंधा इसमें, और कुछ नहीं है। तो इस तरह की क्या कार्रवाई लगता है आपको आगे भी जारी रहेंगी? नहीं, आगे तो अगर कुदरत ने गवर्नमेंट बदली तो बिल्कुल नहीं होगी, ये अपोजिशन के संगठन की पॉलिसी में नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में युवाओं को नौकरियों के संकट पैदा हो गया, काला धन पर कोई बातचीत नहीं है और कम से कम 2 मिलियन नौकरियां आनी चाहिए, तो क्या मानते हैं इस सब को लेकर आप? अब देखिए, ये चूंकि उनके घर में से सवालात उठने लगे, अपोजिशन संगठन तो बाद में अभी कहेगा जो कुछ भी करेगा, लेकिन उससे पहले ही उनके घर से ही आवाज़ें उठने लगी, उनके ही लोग ये आवाज़ उठाने लगे कि साहब इतने यहाँ नौकरियों का सवाल है, जान तो नौकरियाँ नहीं मिल रही, और जितनी महंगाई और फलानी और सारी चीज़ें भुखमरी और नौजवानों को नौकरियों का मसला है, तो ये सारी चीज़ें खुद ही वो उनके घर में से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जब उनके घर में के लोग मुतमईन नहीं हैं तो वे इलेक्शन कैसे जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि काले धन पर कोई बात नहीं हो रही, जबकि बात हुई थी कि काला धन वापसी लाया जाए, हुई थी उस वक्त बात, लेकिन ये सही बात है, वापस कहाँ लाए भाई, उन्होंने एक दफ़े नोट पर पाबंदी लगा दी तो उससे नुकसान हुआ, और भी पाबंदियाँ जो ये कर रहे हैं, ये लाना चाहते हैं, उसमें सब में फेलियर है इनका, गवर्नमेंट टिक नहीं पा रही अपनी पॉलिसी, और सिवाय इस बात के कि हालात को जहरीले अंदाज में, मतलब ये कि उसको जहरीली हवाओं में तब्दील करने के अलावा कुछ काम नहीं है। जी, पश्चिमी बंगाल के BJP नेता हैं शवेंदु अधिकारी, उनका कहना है जो गठबंधन है ये भ्रष्टाचारियों को का चोरों का है और वंशवाद और तुष्टिकरण का गठबंधन है। देखिए, ये गठबंधन का कोई ये मिशन में ही नहीं है शामिल है, ये उनकी दिमाग की उपज है बस, वो ये बातें झूठी सच्ची करके इस किस्म की यानी फर्जी बातें पैदा करके और इसको लपेटना, ये ठीक नहीं है। अभी तो वजूद में भी नहीं आई, मतलब ये अभी कोई अपोजिशन संगठन की गवर्नमेंट नहीं बनी है, कुछ नहीं बनी है, तो उसके इरादों का ही नहीं कैसे पता चल गया, ये तो अपने दिमाग की उपज है, ये हालात में बिगाड़ने के लिए और सन 24 के इलेक्शन की तैयारी की वजह से सारी बातें कर रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ होगा। इंडिया उसका जो नाम रखा है तो ये इनको नागवार है। अब इन्होंने अभी इतना बड़ा वो G20 हुआ, लेकिन उसमें भी उन्होंने देख लिया कि इस ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।